भारत में घुसकर 20 देशों ने किया हमास जैसे आतंकी देशों पर हमला। पीओके में भारत से जुड़ने का आंदोलन शुरू। अब की बार आर या पार की लड़ाई। भारत ने एक बार फिर से चीन को इंटरनेशनल मंच पर लताड़ा। दोस्तों, भारत में घुसकर बड़े बड़े देशों ने अब हमास जैसे आतंकवादी संगठनों पर जमकर भड़ास निकाली। आपको बता दें कि दो दिन पहले लगभग 21 देशों के पार्लियामेंट के अध्यक्ष भारत में मीटिंग के लिए आए हुए थे और इस मीटिंग में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वह आतंकवाद ही था, क्योंकि जो इजराइल पर अभी हुआ है दोस्तों उससे आप सभी वाकिफ है। आपको बता दें कि इजराइल जैसा आर्मी फील्ड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश शायद ही कोई होगा। उसने 5 बड़े मुस्लिम देशों के एक साथ छक्के छुड़ाए हो पास्ट में, और आज उसी शक्तिशाली देश पर कैसे हमला हुआ प्लानिंग के साथ आप सब लोगों ने देखा। और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत ने भी ऐसे हमले को देखा है, फिर चाहे वह पार्लियामेंट अटैक हो या फिर मुंबई अटैक हो, कितने हजारों लाखों लोगों की जान गई थी और हमले को भारत याद करके आज फिर से इस आतंक के मुद्दे को आज उछालता है। यानी कि अब आतंक को खत्म करने के लिए सभी बड़े देशों को प्लानिंग करके हर उस देश में चुन चुन कर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए जिस देश में आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं, जिस देश में ब्रीडिंग पॉइंट होता है आतंकवादियों का, उन देशों के पीएम से बात करके या फिर जैसे भी हो उन सबको खत्म करना चाहिए। इसके अलावा जो मीटिंग हुई थी वो आपको बता दें कि 2 दिन की मीटिंग थी और इसमें उन्हीं देशों ने हिस्सा लिया था जो G20 के सदस्य थे, पिछले महीने भी आए थे। और उधर पीओके को लेकर भी भारत अब अपना हक पाने के लिए आगे बढ़ गया है। क्या कुछ चल रहा है थोड़ा सा डिटेल में अब आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये 15-20 सेकेंड का क्लिप देखिए। मैं बेसित कश्मीरी इस बात का ऐलान करता हूँ कि अगर तुमने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो इंशाल्लाह ताला तुम हम सब याद दो बैठोगे इंशाल्लाह ताला। तो देखा दोस्तों आपने कि पीओके में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पीओके के लोग लगातार सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चलाने में लगे हैं। ऐसे में ये लोग लगातार भारत में शामिल होने की डिमांड भी कर रहे हैं। इसे दबाने के लिए पाकिस्तान हर एक हथकंडे अपनाने में लगा है, लेकिन तब भी वह उन लोगों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा। पीओके के लोग लगातार भारत का हिस्सा बने और भारत में मिलने की ही डिमांड कर रहे हैं। यहां तक कि इन्होंने तो कारगिल का रास्ता खोलने तक की मांग कर दी। ऐसे में पाकिस्तान सरकार और सैनिक सिर्फ इनको चुप कराने और यह प्रदर्शन बंद करवाने में लगे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अब भारत भी पीछे हटने वाला नहीं, भारत तुरंत कदम उठाने वाला है ताकि वह पीओके फिर से अपने में शामिल कर सके, क्योंकि अब तो खुद पीओके के लोगों की भी यही मर्जी है। साथ ही आपको बता दें कि चीन में भी बड़ी मीटिंग चल रही थी जिसमें रूस भी आया था, भारत को भी इनविटेशन मिला था लेकिन भारत ने जाने से मना कर दिया था। बता दें कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसे शॉर्ट फॉर्म में BRI भी कहा जाता है, वह पहले से ही संकट में है और चीन ने BRI प्रोजेक्ट के दांव पर 20 से ज्यादा देशों को इस साल 2023 के सेशन तक लगभग $240 अरब से अधिक कर्ज दे चुका है। उनमें कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस कर्ज से डूबकर अब भीख मांगने वाली आदत पकड़ ली और इसलिए भारत खपा है, क्योंकि इसमें भारत के कुछ पड़ोसी देश भी है जो भारत का हित है और चीन की भी इस नीति से भारत खपा है। बता दें शुरुआत से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हमने पहले जैसे बताया कि BRI भी बोलते हैं, इस इनिशिएटिव का भारत साफ तौर पर विरोध करता रहा है और वह ऐसी किसी भी योजना को स्वीकार नहीं करेगा जो उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अचानक मुस्लिम देशों ने छोड़ा गाजा का साथ, जंग के बीच रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चीन क्यों पहुंचे? भारतीय सेना पहुंची इजरायली बॉर्डर पर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि अब गाजा का जो हाल होने वाला है वह कभी गाजा ने सोचा नहीं होगा। भले ही उसे अभी तक मुस्लिम देश सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हकीकत क्या है वह आज हम आपको इनसाइट खबर में बताएंगे।
सबसे पहले तो आपको बता दे कि गाजा को कोई भी मुस्लिम देश शरण नहीं दे रहा है। सबसे जो उसके करीबी मुस्लिम देश है इजिप्ट, उसने भी साफ साफ मना कर दिया है कि वह गाजा के एक भी आदमी को अपने देश में घुसने नहीं देगा। और ठीक उसी तरह यानी इजिप्ट की तरह ही बाकी अरब देश जो इसराइल के आसपास है वह भी गाजा को समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो बात वही हो गई कि पीछे से भले ही वे लोग ढिंढोरा पीटते हैं, पैसे पहुंचाते हैं, लेकिन कोई भी अपने देश को जोखिम में डालना नहीं चाहता गाजा के लोगों को अंदर घुसा करके। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे कि भारत और बाकी मुस्लिम देश जो गाजा के आसपास है उन मुस्लिम देशों और भारत में क्या अंतर है। तो भारत में जो बंटवारा हो गया था कि एक मुस्लिम देश होगा और एक हिंदू डोमिनेटेड देश होगा, इसलिए भारत और पाकिस्तान बना था। लेकिन इन सब के बावजूद भी म्यांमार एक भारत का पड़ोसी देश है जहां पर रोहिंग्या मुसलमान बड़ी तादाद में थे, लेकिन वहां पर जो बुद्धिज्म थे उनकी रोहिंग्या मुसलमानों से लड़ाई हुई और ठीक उसी तरह से हुई जिस तरह से आज इसराइल के यहूदी और गाजा के मुसलमानों के बीच हो रही है, जिस गाजा पर इसराइल का ही लगभग कंट्रोल था। उसके बाद म्यांमार से जब युद्ध हुआ बुद्धिज्म का रोहिंग्या मुसलमानों से उन सारे मुस्लिमों को भारत ने शरण दे दी ताकि वह बच सके। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा दिल है। उस समय जो पीएम रहे होंगे वे कितने अच्छे रहे होंगे, उनको पनाह तो दे दी, लेकिन वहीं रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से आज भारत के मणिपुर में भी अशांति रहती है। उधर काफी सारे रोहिंग्या मुसलमान हैं जो छोटी मोटी मवादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। इन्हीं सब वजह से कोई भी मुस्लिम देश जो आज युद्ध हो रहा है वहां पर इसराइल और गाजा के बीच में, तो गाजा के लोगों को अपने देश में आने नहीं दे रहे। भले ही गाजा के अब तक लगभग 4000 लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं इसराइल के हमले के बाद, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश उन्हें शरण नहीं दे रहा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मुस्लिम देश अलग से सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक खबर तो यह थी और दूसरी खबर यह आ रही है कि अब जो पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी वारंट था वे किसी भी देश में नहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक चीन में पहुंचे हैं और दोस्तों चीन से उनकी बड़ी बातचीत होगी। क्या बातचीत होगी यह सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे जब ये मिलेंगे। लेकिन रूस ने इसराइल को भी सपोर्ट किया है और इसराइल को फोन करके बोला है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, निर्दोष लोगों को नहीं मारा जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह इस समय युद्ध को रोकने में मदद करने को तैयार है और उन्होंने कहा इसके लिए शांतिपूर्ण बातचीत से इस युद्ध का समाधान निकालना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपको अब बता दे कि अब इसराइल लेबनान बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवानों की तैनाती हो चुकी है और इसके लिए 900 इंडियन सोल्जर्स को लेबनान इसराइल बॉर्डर पर भेजा गया है। जी हां, जंग में घिरे इसराइल की मदद करने के लिए हिंदुस्तान के सुरक्षा बल पहुंच गए हैं और भारतीय सुरक्षा बल इसराइल और लेबनान के बीच दक्षिणी सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच निगरानी कर रहे हैं।